मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मिलकर 5 जनवरी को ऐलान होना है लखनऊ में, और आप एक तरफ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि किस बिहार एनडीए चलेगा? देखिए, इस पे हमको कुछ कहना नहीं है, कौन कहा, सबका स्वतंत्रता है भाई। सब पार्टी चाहती है कि उसका पार्टी का विस्तार हो, अलग अलग राज्यों में लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ये उनका फैसला है। अभी यूपी का बात है, इस पर हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन यहाँ तो एनडीए के जो लोग पार्ट पार्सल हैं, उन लोगों को कम से कम अपना चुनाव में जो वादे थे उस पर तो ध्यान देना चाहिए। और जब तक यूपी चुनाव के प्रचार के बारे में बात है हमारी, तो जब प्रचार होगा, जब ज़रूरत हमारी होगी, जब बुलाया जाएगा, तो हम तो हमेशा हाजिर हैं, चाहे वो बंगाल में आपने देखा हो, झारखंड में देखा हो, या असम में देखा हो, जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तक हम गए हैं। और ये तो हमारे लिए चुनौती है कि भाई, जो आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, उनको देश में किसी भी प्रकार से सत्ता में आने से हम लोग रोके, तो जो भी ऊर्जा जहाँ भी है, जितनी भी है, वो हम लोग पूरी तरीके से लगाने का काम कैसे। नया साल का आज पहला दिन है, और इस मौके पर हम सभी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और खास दिन भी, आज हमारी माता का जन्मदिन भी है। तुम लोग का तरीका है यार, कौन माइक ऊपर कर रहे हो यार? 1 जनवरी एक बेहद खास दिन हम लोगों के परिवार में मनाया जाता है, और हम सब लोग, पूरे परिवार के लोग, पटना में तो नहीं है, सब अलग अलग जगह है, लेकिन बिहार के सभी लोगों का प्यार, बधाइयाँ, आशीर्वाद, साथ जो मिल रहा है, इसके लिए हम सभी लोगों के तहे दिल से आभारी हैं। और हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि बिहार के लोगों का दर्द, दुख, तकलीफ जो है, परेशानी जो है, वो दूर हो, लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली आए, शांति मिले, समृद्धि मिले, बिहार और बिहारी हमारे जो हैं तरक्की करें, आगे बढ़ें। और पुरानी बातें अब तो इतिहास बन गया है, लेकिन जो आने वाला जो कल है, उसको बेहतर बनाने में सब लोग एक होकर के, जो आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो सामने हमारे परेशानी है, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, बेबसी हो, गुर्बत हो, आप देखिएगा लोगों को परेशानी कई ज़्यादा है, इसलिए इस तकलीफ में हम सब लोगों को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना है। और लोगों का जो प्यार और समर्थन जो मिलता है, इससे हम लोगों का ताकत बढ़ता है, तो हमारी पूरी ऊर्जा जो रहेगी वो बिहार के लोगों के सेवा में लगेगी। और इसके लिए जो हम लोगों को करना पड़े, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, पदाधिकारी, सब मिलकर के जो है इस काम को आगे बढ़ाने में लगेंगे।